आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज के लिए आज का वीडियो फुल ऑन अटेंशन है, तो पूरी जानकारी अटेंशन 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 प्लीज़ गिव अटेंशन, क्योंकि अगले जो 5 मिनट आने वाले हैं आपके लिए, ये आपको ध्यान देने ही होंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है सीधे आया है इग्नू से, इग्नू के थ्रू ये गेसिंग क्वेश्चन है, जो कि इसमें से एक जो सैम्पल पेपर मैं देने जा रही हूँ आज, वो आपका एग्ज़ाम का पेपर हो सकता है। और हो सकता है कि आप फुल गारंटी है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से प्रश्न आपको इग्नू में पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो प्लीज़ इसे अटेंशन दीजिएगा, इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इग्नू ने कैसे क्वेश्चन निकाले हैं, उन सबकी पूरी जानकारी मैं लेके आया हूँ स्पेशली फॉर आपके लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। प्लीज़ आप इसे एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। तो अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर शाम मेरी वीडियोज़ आती है और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, मिस ना हो। मेरे क्लास में पाई है हर चीज़। यानी कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है अपना असाइनमेंट कंप्लीट, तो प्लीज़ कर लीजिए जाके मेरे यूट्यूब चैनल से, और डेली के नोट्स भी पाइए। तो मैंने आज गेसिंग क्वेश्चन लेके आई हूँ इग्नू गेस पेपर। चलिए, फर्स्ट ईयर का है, एमएस समाजशास्त्र का। इसके साथ एमएसटी वाले लोग भी इसमें आ सकते हैं। सेकेंड ईयर के भी मैंने गेस्ट पेपर गेसिंग क्वेश्चन जो अपलोड करने वाली हूँ वो भी अपलोड किए हुए हैं मैंने। स्पेशल फीचर ऑफ इग्नू गेस पेपर, इसके आपके जो है ना इंपॉर्टेंट नोटिस बता देती हूँ कि आपको है क्या। ये जो क्वेश्चन है इनका यही है कि इग्नू अकेडमिक काउंसलर द्वारा है, ये कहीं और से नहीं है कि आपको मैंने कहीं से उठा के दे दिया। ये जो है टॉप रिलेटेड 5 क्वेश्चन है, यानी कि इन क्वेश्चन में से आपको 5 टॉप रेटेड 5 क्वेश्चन है, यानी इनकी रेट सबसे ज़्यादा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस 100 में 99% होते हैं, गारंटेड ऑफ सक्सेस है। स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सिलेबस, ये सिलेबस से बाहर नहीं है, सिलेबस पे बेस्ड है। आगे मैं आपको लेके चलती हूँ कि कैसे मैंने इसका जो है क्वेश्चन किया हुआ है। तो गेसिंग क्वेश्चन जुलाई 2020, यानी जो हमारे एग्ज़ाम जुलाई 2020 वाले सेशन के लिए है ना, एंड जो दिसंबर और सितंबर का जो ये होता है सेशन होता है, दिसंबर में एग्ज़ाम लिए जाते हैं सितंबर और दिसंबर में, वो जो दिसंबर वाले एग्जामिनेशन की जो तैयारी होती है उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ जुलाई वालों के लिए, लेकिन स्पेशली अभी जुलाई वाले सेशन के लिए है, जिनका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए है। तो प्लीज़ अटेंशन दीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको लेके चलती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपको जो है आने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरह कि हमें जो क्वेश्चन का है ना भाग क और भाग ख होता है। अब इसमें से जो 10 क्वेश्चन है, सोचिए इनमें से जो एक क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन है ना, आप सोचिए ये 10 के 10 क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आप सोच लीजिए आपका ये क्वेश्चन पेपर है और 100% है यही क्वेश्चन आते हैं और आएंगे ही, गारंटीड है। तो ये क्वेश्चन आने वाले हैं और आप चलिए अब इन क्वेश्चन को हम दिखाते हैं कि कैसे आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो है लेने हैं। तो यहाँ पे समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने के दुर्खाइम के प्रयास की चर्चा कीजिए। अब यहाँ दुर्खाइम एक साइंटिस्ट हैं, मतलब सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के रूप में दुर्खाइम ने क्या क्या किया, उनका जो जो एफर्ट था उनकी चर्चा करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। तो दुर्खाइम जो थे, दुर्खाइम एक बहुत अच्छे सोशियोलॉजिस्ट है, जिसके बारे में मैंने जानकारी दी हुई है, आप मेरे नोट्स जाके देखो, आपको सारी की सारी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं स्पेशली आपके लिए एक जरूर लेक्चर वीडियो लेके आऊँगी। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रतिरूप, पैराडाइम शिफ्ट, इस पर भी मैंने एक बनाया हुआ है और स्पेशली बना लूँगी। पैराडाइम शिफ्ट क्या है, उचित उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए, अब इस पर हमें चर्चा करना है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या समाज वस्तुपरक सच्चाई है, क्या समाज वस्तुपरक सच्चाई है, इस पर चर्चा कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, पेरेटो को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अभिजात यानी कुलीन वर्ग की संकल्पना को परिभाषित एवं इसकी चर्चा कीजिए। ठीक है, पांचवा नंबर हमारा है, बैवर की शक्ति एवं प्राधिकार की संकल्पना की चर्चा कीजिए। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही टॉप है, बहुत ही अच्छे हैं। बैबर के बारे में मैंने आपको कहा था कि 3-4 साइंटिस्ट जो है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी कि जिसमें आपको बैबर, दुर्खाइम हो गए, बैबर हो गए और अरस्तु हो गए,
इनके बारे में तो वैसे मैंने वीडियो में बताया हुआ, फिर भी आपके लिए एक अलग से कि इनके बारे में जो जानकारी होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कि बैबर कौन थे, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनके क्या हैं, उन्होंने क्या किया, इन सब के बारे में फुल ऑन डिटेल एक नोट्स। तो बैबर के बारे में पूरी चीज़ और पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैं दुर्खाइम के बारे में भी और उनके जो जो प्रयास किए उन्होंने उसके बारे में भी, ताकि आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। छठे नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा सामाजिक व्यवस्था को समझने में पार्सन के योगदान का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। पार्सन्स कौन थे, कहाँ से थे, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या उनकी संकल्पना थी, उसके बारे में आप जानने के लिए आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस को। छठा नंबर क्वेश्चन हो गया, सातवें नंबर क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। यही है अगला क्वेश्चन। मैंने नागरिकता के बारे में बहुत अच्छे टॉपिक में बताया, वह राज्य और नागरिकता के बीच में अंतर बताइए। अब ये तो सबसे अच्छी टॉपिक हो गई, इससे अच्छे टॉपिक हो ही नहीं सकती, कि व्हाट इज नेशन एंड व्हाट इज सिटीजनशिप, व्हाट इज द डिफरेंट एंड रिलेशन बिटवीन दिस दो बोथ द थिंग्स बिटवीन, और ये इन दोनों के बीच में ना रिलेशन बताना इतना ईजी है, और इस कॉन्सेप्ट को हर एक नागरिक, हर एक सिटीजनशिप और राज्य के क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं होते हैं आप सब जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक ये कैसे क्वेश्चन में है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निर्जातीयता को परिभाषित कीजिए, समाज में इसके निर्माण को स्पष्ट कीजिए। निर्जातीयता से क्वेश्चन ये हमारा, मैं बता दूँ आपको अगर मैंने जानकारी नहीं दी है, तो ये हमारा एमएसओ का पेपर, हमने वन का जो कैसे क्वेश्चन है मैंने बता रही हूँ, पेपर वन का क्वेश्चन है, MSO 01 का ये क्वेश्चन पेपर है। सॉरी मैं आप इससे पहले बताना भूल गई, लेकिन हाँ मैं बता दूँ ये MSO 01 का क्वेश्चन पेपर है। उसके साथ नौवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक असमानता पर कुछ मुख्य परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए। अब इन सिमिलैरिटीज़ क्या है, असमानताएँ क्या है सामाजिक, उसके बारे में वर्ग को समझने के प्रति मार्क्स के योगदान की चर्चा कीजिए। क्या मार्क्स ने क्या योगदान दिया था, मार्क्स ने क्या योगदान दिया था, मैंने इस पे एक अच्छे सा वर्ण और जाति का जो टॉपिक है आप मेरे वीडियोस पे जाके देख लीजिए, वर्ण और जाति क्या है, उस पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, प्लीज़ मेरे साथ यूं ही बने रहिए। मैं आपका जो चारों का चारों सब्जेक्ट है MSO 01, 02, 03, 04 सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर एग्ज़ाम तक आपके लिए मैं काम करूँगी, आपकी सारी हेल्प मैं करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, प्लीज़ बी कंटिन्यू विथ माई चैनल। थैंक यू एंड कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी। थैंक यू अगेन, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को।